अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि वाट, वोल्ट और एम्पियर में क्या फर्क होता है। चाहे आप लोग एक स्टूडेंट हैं या फिर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, ये जो तीनों टर्म्स होती हैं ये आप लोगों के लिए काफी कंफ्यूजिंग रहती हैं। लेकिन अगर आप लोग आज की इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप लोगों को नेक्स्ट टाइम इन तीन टर्म को समझने में कभी भी किसी किस्म की कंफ्यूजन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि हम एक वाट, वोल्ट और एम्पियर होते क्या हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये तीनों यूनिट्स हैं, दीज आर यूनिट्स। अब ये यूनिट किस तरह यूनिट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मास को मापने के लिए एक यूनिट होता है किलोग्राम, या फिर फासले को मापने के लिए हमारे पास यूनिट होता है किलोमीटर। ये तो हमारे पास मास को मापने के लिए, ये हमारे पास डिस्टेंस को मापने के लिए। तो ये तीनों यूनिट्स जो हमारे काम आते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी में काम आते हैं, कि ये इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स हैं। अब इन यूनिट्स का मसलन के काम क्या होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने ना कि किसी भी दुकान पे ना कि चीनी लेने जाना है। अब चीनी लेने जाएंगे तो हम उन्हें बताएंगे कि हमें 5 किलोग्राम चीनी चाहिए, 10 किलोग्राम चीनी चाहिए। या फॉर एग्जांपल हमने ना कि किसी बंदे को बताना है कि एक शहर से दूसरे शहर का फासला कितना है, तो हम बताएंगे 50 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर है। तो ये यूनिट्स हमारे लिए इस तरह से काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दुकान पे जाते हैं चीनी लेने और हम उन्हें कहते हैं कि हमें 5 चीनी दे। अब उसे कोई पता नहीं चलेगा कि आप लोग 5 ग्राम चीनी की बात कर रहे हैं, आप लोग 5 किलोग्राम चीनी की बात कर रहे हैं, उसे नहीं पता चलेगा जितनी देर तक आप लोग उन्हें प्रॉपर यूनिट के साथ बताएंगे नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में भी इन तीनों यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। चले अब हम ना कि देखते हैं कि इन तीनों जो हमारे पास ये वाट, वोल्ट और एम्पियर हैं, तीनों जो इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स हैं, इनमें फर्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम एम्पियर की बात करते हैं कि हमारे पास एम्पियर क्या होता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की वायर है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होता है तो वो किस वजह से होता है। वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी जो मूवमेंट होगी, फ्लो होगी, उसकी वजह से इसमें करंट होगा। अब नेक्स्ट है कि एम्पियर क्या चीज है। अब ना कि इन इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होगी उसको ना के उसका जो यूनिट है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के नीचे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यानी कि आप लोग ये समझे कि इनकी जो फ्लो होगी ना, उनको यूनिट जो होगा उसका, वो हमारा एम्पियर होगा। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद ये है कि आप लोगों के पास 1 सेकंड में कितने कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में आप लोगों के पास इस वायर में से फ्लो कर रहा है तो उसका जो यूनिट बनेगा वो 1 एम्पियर बनेगा। इसी तरह से जैसे जैसे इसकी मकदार बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास एम्पियर की मकदार भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गई कि जो एम्पियर है वो सिंपल है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उनका ना एक रेट हमने ना कि मेजर करना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका जो यूनिट आएगा वो हमारे पास एम्पियर आएगा। अब नेक्स्ट है कि हम वोल्ट की बात करते हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमने ना कि इलेक्ट्रिसिटी ये जो हमारे पास प्रोड्यूस होगी वो होगी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये इलेक्ट्रॉन वैसे ही बैठे बैठाए तो फ्लो नहीं करेंगे, जैसे हमारे पास वायर अगर वैसे पड़ी हुई या कटी हुई तो उसमें तो करंट होता ही नहीं, जैसे मर्जी हम उसे हाथ लगाएं तो हमें कुछ भी नहीं होता है, उसकी वजह क्या है, उसमें करंट ही नहीं होता है। लेकिन अब इसमें से करंट बहेगा, यानी कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कैसे, वो या फिर उनको मूव करने के लिए फोर्स कहाँ से आएगी। तो वो जो फोर्स है ना वो हमें ये वोल्ट प्रोवाइड करेगा। यानी कि वोल्ट क्या होता है, पुशिंग फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, यानी कि इस कंडक्टर में या ऐसी तार जिसमें करंट गुजर सकता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। अभी इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है वो हमें ना वोल्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वो फोर्स हमारे पास में वोल्ट कहलाती है। अब इसको इसका जो फार्मूला होता है वो होता है वी इक्वल टू आई आर। अब इस फार्मूले को समझे कि हमारे पास वायर में से कितना करंट गुजर रहा है और जितनी उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वोल्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मजीद अगर हम देखें द प्रेशर दैट ऑफ पावर सोर्स रिक्वायर्ड टू पुश चार्ज इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर तो उसे रेजिस्टेंस का कम सामना करना पड़ रहा है तो उसको प्रेशर कम लगाना पड़ेगा, लेकिन उसे अगर रेजिस्टेंस का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है तो उसे प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसका ये सिंपल मतलब था। अब इन दोनों टर्म्स का आप लोगों को पता चल गया कि एम्पियर का क्या था, इसने यूनिट है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वोल्ट क्या था कि उसने इलेक्ट्रॉन को
मूव करवाने के लिए या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो फोर्स चाहिए होगी वो प्रोवाइड करनी है। अब नेक्स्ट हम आते हैं वार्पिंग। अब हमने ना कि इलेक्ट्रॉन्स मूव भी करवा लिए, उनका यूनिट भी मालूम कर लिया, तो एम्पियर और वोल्ट दोनों तो बन गए, लेकिन इनका फिर आगे काम क्या है? अब इनका काम है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये इस्त्री है, हमारे पास ये पंप है, पंखा है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, इन्होंने ना कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी बन के जो आगे आनी, इसको यूज करना है। अब ये वाट का काम क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, यानी कि आगे कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, या कोई चीज कितनी एनर्जी ले रही है, उसकी जो मेजरमेंट होगी वो इसके उसका वाट कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्त्री है, स्त्री और अगर हम ना वॉशिंग मशीन का कंपेरिजन करें तो स्त्री ज्यादा एनर्जी लेती है और जो वॉशिंग मशीन है वो कम एनर्जी लेती है। फॉर एग्जाम्पल जो अगर हम वाट्स में बात करें तो स्त्री 1000 वाट ले रही है, इसका मतलब ये है कि स्त्री ज्यादा एनर्जी ले रही है। अगर हम इसको कंपेयर करें वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन फॉर एग्जाम्पल 250 वाट ले रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ना ये ज्यादा एनर्जी ले रही है और ये हमारे पास कम एनर्जी ले रही है। इसी तरह से ये हमारे पास वाटर पंप है, ये और ज्यादा एनर्जी लेगा, लेकिन इसका कंपैरिजन पंखे के साथ करें तो वो कम एनर्जी लेगा। इसी तरह हमारे पास रेफ्रिजरेटर जो घरों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो वो भी ये एनर्जी वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस एनर्जी का जो मेजरमेंट का हमारे पास यूनिट है ना, उसे हम ना कि वाट कह देते हैं। अब वाट किसके बराबर होता है? जो वाट हमारे पास होता है वो इक्वल होता है वी मल्टीप्लाई आई। ये डीसी के केस में, अगर हम एसी के केस में देखें तो इसके साथ एक पावर फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो जाता है, उसे एक दफा मैंने इग्नोर कर रहा हूँ। जैसा आप लोगों के आप लोग ये समझें कि वाट बराबर है वी क्रॉस आई। अब अगर हम एसी की बात करें तो हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रहे होते हैं तो वो होते हैं 220, वो तो मसलन के 220 ही रहने, फिक्स रहने, चाहे हम ना के इलेक्ट्रिसिटी को पंखे के लिए इस्तेमाल करें, चाहे हम एसी के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन जो हमारे पास पंखा है वो तो कम एनर्जी ले रहा होता है, लेकिन एसी ज्यादा ले रहा होता है। तो अब फर्क कहाँ पे पड़ना है? वो आई पे पड़ना है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास पंखा है ये एम्पियर कम लेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 110 वाट का पंखा है, तो इसका मतलब है कि ये 0.5 एम्पियर लेगा। 0.5 को जब हम 220 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तकरीबन 110 वोल्ट ही आ जाएंगे, 110 वाट का ये ना आ जाएगा, ये 110 वाट एनर्जी ले रहा है। अब नेक्स्ट अगर हम एसी की बात करेंगे तो एसी तो हमारे पास 4 से 5 एम्पियर आफ्टर मसलन कूलिंग को स्टेब्लिश करने के बाद भी ये 4 से 5 एम्पियर ले रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वाट्स हैं तो इसके फिर वाट्स तकरीबन 1000 वाट्स बनेंगे। तो ये इसके जो एनर्जी की कंजप्शन है वो ज्यादा है और इसकी एनर्जी की कंजप्शन हमारे पास कम है। तो ये सिंपल ये जो वाट होता है ये एनर्जी की कंजम्पशन को मेजर करने का ना कि यूनिट है हमारे पास वाट। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से ये पता चल गया होगा कि एम्पियर, वोल्ट और वाट में क्या फर्क होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह निगेबान।